ओहो, ये चेन्नई है, दुबई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो गाइस, दिस इज अदील, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही कमाल की है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हमारे कुछ ऑडियंस इस तरह के हैं जो इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। और मुझे पर्सनली मुझे ये चीज़ देखनी थी जो साउथ इंडिया है वो कैसा दिखता है, क्योंकि हमने मूवीज तो बहुत देख ली हैं, अब साउथ हाँ, इंडिया को देखने की वो बारी आई देखना है। तो हम बाकी साउथ है। इंडिया की एक प्रॉपर, एक बहुत ही बाकमाल वीडियो बनी हुई है, इस चैनल का जिनका नाम है जी वर्ल्ड इन डिटेल। तो आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो है, लाजमी बात है इनको भी सब्सक्राइब करना बनता है। इन्होंने बहुत ही कमाल का इसमें काम किया है। और वीडियो का जो नाम है वो है जी इमर्जिंग इंडिया, राइज ऑफ साउथ इंडिया। तो सीधी सीधी वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कमाल कमाल की जगहें आने वाली हैं और बहुत ही कमाल की सिटीज़ हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद सारी बातचीत करेंगे हम। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। प्ले करते हैं। चेन्नई, जगह चेक करो यार, ये क्या एयरपोर्ट है? तो लग रहा है, आई थिंक सो। ये रेलवे स्टेशन होगा, रेड रेड सा। ये क्या है? यार ऐसा तो मुंबई में नहीं देखा था। नहीं, दिल्ली में देखा था, चेन्नई स्टेडियम, यहाँ मैचेस हुए हैं वो देखते हैं। ये कोई होगा सिटी, मतलब यहाँ पेरियर टाउन है, वहाँ गवादर सिटी। ओहो, ये चेन्नई है, दुबई है, बैंगलोर आ गए जी हम। बहुत जल्दी जल्दी हम सिटीज पहुंच रहे हैं यार, कितना प्यारा है बैंगलोर स्टेडियम। यार एक मिनट के लिए लगता है जैसे कोई और सिटी है, बैंग या इंडिया नहीं है। ऐसे नहीं, होता, वो देखिए बिल्डिंग चेक करो, कर्व बिल्डिंग वाह, है, कुछ और है, बिल्डिंग ही लग रही है। इसका यकीनन नाम ग्रीन बिल्डिंग होगा। आर्किटेक्चर चेक किया, कर बिल्डिंग बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। शिप के ऊपर जैसे वो होती है ना, वैसी थी। ये कौन सी जगह यार, एक तो नाम नहीं, ये थोड़ा इशू है ना, मतलब जगहों के नाम हो ना, तो जिसमें ये बिल्डिंग्स आएंगे, अब इन फोर बिल्डिंग्स का कोई एक नाम होगा, वो नाम होना चाहिए। और कितनी लाइटिंग, प्यारी जगह है ना। ये कौन सी जगह आ गई जी, हैदराबाद है। कपिल टावर, कौन सा टावर? हाँ कपिल टावर, कपिल शर्मा का है क्या? हैदराबाद, हाँ हैदराबाद है। यार मुझे ना इनका जो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सारी बिल्डिंग्स बहुत जरूरत है। हाँ अपार्टमेंट्स हैं, गोल्ड समथिंग कुछ लिखा था, कुछ तो था। बिल्डिंग चेक करो यार,
अमेज़न का था, अमेज़न की बिल्डिंग थी ये। अच्छा मैंने नहीं देखा, मैं कुछ और देख रहा था बीच में। तो इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए। एरियल व्यू है ऊपर से, वो बिल्डिंग्स इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है, और आउट क्लास लग रही है। ऊंची ऊंची ये फेवरेट है भाई, ऐसा पेरिस लग रहा है। पेरिस ये सब लग रहा है, पेरिस है जैसे। मेट्रो ट्रेन वो चेक करो यार, टाइटैनिक जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है यार, चेक करो बिल्डिंग, ट्रीज का स्टाइल है ना। ये क्या जी, विजाग, विजाग ऐसा लग रहा है स्पेन पहुंच गई है। बीच देख, मुझे लगता था सिर्फ गोवा के अंदर हिस्सा का वो होगा सारा, लेकिन ये तो और दोस्त खड़ी थी, और एयरफोर्स जहाज है। ऐसे ही मेरे ख्याल से खड़ा किया हुआ है, ऐसे ही है ना। I think पब्लिक प्लेस थी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। वाओ बहुत ही कमाल किया है यार साउथ इंडिया। मतलब क्या था, मुझे एक मिनट के लिए लगा कि ये कोई और, हम मुझे लग रहा साउथ इंडिया नहीं था, कुछ और था, पेरिस था या कुछ और पहुंच गए। सही बात है, दुबई का कुछ लोग। मेरा तो एक डिसाइड हो गया कि हम अगली वीडियो ना कूची पे करने वाले। मैं कह रही हूँ बैंगलोर पे। नहीं नहीं कूची ज्यादा बेस्ट मुझे, क्योंकि कूची ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो। बैंगलोर पे तो एक काम करते हैं जी, ये कह रही है बैंगलोर, मैं कह रहा हूँ कूची। कूची में मुझे बहुत ही मजे जैसा एक पेरिस वाला लुक आ रहा था, तो हम एक काम करते हैं, ये डिसीजन ना ऑडियंस पे छोड़ते हैं। ऑडियंस आप लोगों में से जो चाहता है बैंगलोर पे क्लिक, बैंगलोर पे अगली वीडियो, तो आप बैंगलोर के यानी कि सजेशन दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा बैंगलोर के होंगे, अगर ज़्यादा बैंगलोर का हुआ तो हम बैंगलोर पर रिएक्ट करेंगे, पर अगर कूची का हुआ तो कूची पे ही रिएक्ट करेंगे। बैंगलोर होगा नहीं, कूची होगा तो इज्जत रख लेना भाई की थोड़ी सी, ठीक है। तो कूची पे करेंगे हम, अगर कूची पे ज़्यादा हुए तो कूची वालों कूची, ठीक है। क्योंकि मुझे वो बहुत ही जालिम किस्म की सिटी लग रही थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी यार, वो पेरिस टाइप सा था सारा, मुझे बहुत मज़े की वीडियो लगी। बाकी ये जो वीडियो जिन्होंने क्रिएट की थी, उनके चैनल का नाम है जी वर्ल्ड इन डिटेल्स, ठीक है। आप लोग इनको भी सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो पे भी लाइक करें, क्योंकि बड़ी मेहनत की है भाई ने, जिसने भी ये बनाई है। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने हर बैंगलोर, चेन्नई, कूची, हैदराबाद, और एक और था, एक और लास्ट वाला कौन सा था, विजाग, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त कवर किया है इन्होंने, और ऑलमोस्ट हर चीज़ यानी कि हर सिटी की हर चीज़ दिखाई है जो फेमस है। बस थोड़ा सा अगर ये नाम लिख देते ना उन चीज़ों पे, जैसा कुछ बिल्डिंग्स आई थी, कुछ ऐसी जगहें आई थी जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कि ये हैं क्या, या कोई भी आईटी फॉर्म थी, जैसा ये कह रही थी कि एक अमेज़न का बीच में ऑफिस भी आया था, तो वो
मुझे नहीं दिखा क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था, शायद इसकी नज़र पड़ गई तो इसने देख लिया। तो वो अगर नाम के साथ होता ना तो हमें और ज़्यादा मज़ा आना था उसका, कि हमें पता लगता रहता कि यार ये जो बिल्डिंग है ना ये इस चीज़ की बिल्डिंग है। बाकी अगर जो भी ये सारी क्रिएशन थी, चेन्नई, बेंगलोर, चेन्नई, जो हैदराबाद, कूची, विजाग, बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मुझे कूची इस लिहाज से अच्छा लगा, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो जो लोकेशन थी ना, एक तो बीच साइड थी, ठीक है, विजाग भी बीच साइड थी, लेकिन कूची एक ऐसी जगह थी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पेरिस वाली ही जगह है, कि वो ऐसा ऐसा है ना कि पानी वाला सारा, पानी वाला सारा चल रहा था ना सर, कि बिल्कुल बिल्डिंग साथ है और साथ ही पानी जुड़ा हुआ है, साथ ही पानी। हाँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कूची। बाकी कूची वाले अगर मेरे साथ थोड़ा सा अन्याय करेंगे, तो अन्याय वह मैंने हिंदी का वर्ड बोला यार, तो मेरे साथ थोड़ा सा इंसाफ करेंगे तो कूची पे भी वीडियो पहले बनेगी, बेंगलोर में बाद में बनेगी। फिर खैर जैसी भी थी, ये वीडियो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक तो यार इनके जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन है ना, वो बहुत आउट क्लास बनते हैं यार। मतलब यहाँ इंडिया के जो आर्किटेक्चर हैं वो बहुत ही आउट क्लास हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो वो चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इनके एक स्टाइल होता है। अब एक बिल्डिंग आई थी जिसमें वो ट्रीज जैसा था सारा, वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत ब्लू सी बिल्डिंग थी और ट्रीज थे सारे यूँ यूँ ना, वो बहुत प्यारा था। एक और आई थी वो कर्व सी थी यूँ, यानी कि अलग एक कर्व आया था, वो बहुत प्यारी बिल्डिंग थी। ब्रिजेस तो इंडिया के हैं ही कमाल के, उनमें कोई डाउट नहीं है। कलर्स के हिसाब से जो रात को व्यू आया था ना, वो बैंगलोर का था। हाँ, वो मजे का था। हाँ, वो बैंगलोर का था, यानी कि लाइटिंग के हिसाब से जो कलर दुबई टाइप सा व्यू आया था वो बैंगलोर का था। चलो इस पे प्लस पॉइंट इसको दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कूची ठीक है। तो आज की थी यही वीडियो और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को कितना मज़ा आया आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। कमेंट्स में आप अपनी सिटी के बारे में भी बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर रिएक्ट करें तो आप लाजमी उस पर बताइएगा। बाकी कूची पे रिएक्ट, कूची पे कमेंट लाजमी कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगली वीडियो कूची पे बने। देखो ये बोल भी नहीं रही है, तो इसका मतलब यही है कूची पे कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, देख लेंगे। तो आज की थी यही वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके सिटी पे रिएक्ट करें तो आप कमेंट्स में हमें अपने शहर का नाम बता सकते हैं, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, उससे हमारी एक सपोर्ट होती है, हमें अच्छा लगता है चैनल को। जब कोई सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कमेंट्स आते हैं हमें तब भी अच्छा लगता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की थी यही वीडियो, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए